हाँ बेटा, तेरी माँ हमेशा पागलों की तरह कैद खाने में नहीं रही, कभी हम भी आलिशान महलों में रहते। बहुत बरस हुए जब तुम 7 साल के थे। आज क्या है माँ, फिर दिवाली आ गई? नहीं बेटा, आज राजकुमार 1 बरस के हो गए हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो फिर राजकुमार की माँ उन्हें भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए की? नहीं बेटा, राजकुमार की माँ नहीं है। और वो जो है रानी जी? वो उनकी सौतेली माँ है मेरे लाल। देखो तुम्हारे पिताजी आ गए। बाबा, भैया को देखो, राजा बन गया है। राजा नहीं बेटा, दीवान है। दीवान बड़े महाराज का दीवान मैं, और जब राजकुमार राजा बनेंगे ना, तो उनका दीवान बनेगा तेरा भैया। ये कोई झूठ थोड़े है, मेरा बेटा जरूर दीवान बनेगा। देखिए इसके बाजू पे ये तिल, कहते हैं ये राजयोग की निशानी है। हाँ अच्छा। चलो चलो जल्दी करो, समय हो गया। मैं उसका सारा खानदान नेस्त तो नाबूद कर दूंगा, और आज ही। राजकुमार के महल में आग लग गई। राजकुमार और राजकुमारी आग से बचा लिए गए। किसने बचाया? मंगल सेन ने। पकड़ लो उन्हें, भागने न पाए। माधव जी, राजकुमार और राजकुमारी का इस राज में पल भर भी रहना खतरे से खाली नहीं। जी, यहाँ वो जाने मुझे जरूर मार डालेगा। अलका, तुम हमारे महल में जाओ और मालकिन से कह दो कि बच्चों को लेकर फौरन घाट पे चली जाए, मैं वहाँ नावले का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मालिक। तुम्हारा हम लोगों के साथ चलना ठीक नहीं। तुम अभी महल में ही नौकरी करो, और जब जरूरी हो यहाँ की खबर कर।